मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभ्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इम्पोर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज़्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मज़ेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, एकदम मस्त। तो आज हम नीट क्लास का लेक्चर नंबर लेकर के आए हैं 3, और हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड आपको बताई है अल्कीन को बनाने की। कौन कौन सा था? डिहाइड्रेशन, डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन में आपके 2 मेथड ही, एक थी बिसनल डाइहेलाइड, एक थी जिमिनल डाइहेलाइड। फिर क्या कौन सी थी आपकी? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये हमने 3 मेथड को सिस्टमेटिकली कंप्लीट किया। आज हम लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 3 में जो अल्कीन बनाएंगे, टॉपिक अभी भी वही है, प्रिपरेशन ऑफ, हमारे पास में अल्कीन ही है, लेकिन जो अल्कीन बनाएंगे वो बनाने वाले हैं हम अल्काइन से, अल्कीन फ्रॉम अल्काइन। इसके पहले की जो 2 वीडियो थी, वो दोनों वीडियो एलिमिनेशन रिएक्शन की थी। अब ये जो 2 वीडियो हैं, आने वाली ये जो वीडियो रहेंगी, ये आपकी रहने वाली है एडिशन रिएक्शन। इसके पहले वाली वीडियो थी एलिमिनेशन रिएक्शन, ये है आपकी एडिशन रिएक्शन। कैसे? यहां लिखा हुआ है कि हमको अल्कीन बनाना है। किससे बनाना है? अल्काइन से बनाना है। तो कैसे बनता है ये हमको मालूम है। अल्काइन होता है ये, जैसे आपके पास में है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हुआ आपके पास में अल्काइन। बनाना क्या है? बनाना है आपके पास में अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाना है। अब ये देखो, ये क्या है आपके पास में? रिएक्टेंट। ये क्या है आपके पास में? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के पास बॉन्ड कितने हैं? 3। प्रोडक्ट के पास बॉन्ड कितने हैं? 2। और हम जानते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें 3 बॉन्ड से 2 बॉन्ड हो जाए, या 3 बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड में बन जाए, या 2 बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड में बन जाए, मतलब बॉन्ड कम होना कुल मिला के, यदि हमारे पास में नंबर ऑफ बॉन्ड कम हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कम होते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। पहले ही क्लास में हमने बताया था एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या था, कि हमारे पास में जो रिएक्टेंट था, और जो हम जब प्रोडक्ट बना रहे थे, हम रिएक्टेंट हमारे पास में सिंगल का था, तो प्रोडक्ट हम डबल का बनाते थे। यदि ये हमारे पास में डबल होता तो ये हम ट्रिपल का बनाते हैं। तो ये कहलाती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो जाता है। 2 बॉन्ड था, 3 हो गया, ये कहीं सिंगल है तो डबल हो गया, ये कहीं सिंगल है तो ट्रिपल हो गया। तो इसमें रिएक्टेंट के पास जो बॉन्ड है उनसे ज्यादा होता है प्रोडक्ट के पास में बॉन्ड। तो इसमें हम अल्काइन से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? अल्काइन से बना रहे हैं। क्या बना रहा है? अल्कीन बना रहा है। तो स्वाभाविक है ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होगा किसमें? डबल बॉन्ड में। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। हाँ, अब ये एडिशन रिएक्शन कौन कराता है? इसके लिए यहां पर हमारे पास में आता है रिएजेंट। क्या आता है हमारे पास में? रिएजेंट। कुछ रिएजेंट का यूज करेंगे हम, उस रिएजेंट के आधार पे ही हम देख पाएंगे कि कौन सा बनने वाला है हमारे पास में प्रोडक्ट। तो अब हम यहां कुछ रिएजेंट लिख देते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल को करते हैं हम, और ये आपको बखूबी पता होना चाहिए और पता है आपको। जैसे एग्जाम्पल हम यहीं पर यही वाला ले लेते हैं,
कि ये हमने एग्जांपल लिया, अब एरो के ऊपर हम रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, यहां पर एक बात और देखो, हमारे पास में यहां हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है यहां पर दो, एक और एक दो, यहां हाइड्रोजन कितने हो गए चार। देखो जरा यहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं दो, और यहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं चार। तो हाइड्रोजन इंक्रीज हुआ ना, यहां हाइड्रोजन दो थे, यहां हाइड्रोजन चार है, हाइड्रोजन क्या हुआ आपका इंक्रीज। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हम अल्कीन बना रहे हैं, अल्काइन से जो हम अल्कीन बना रहे हैं, ये हमारे पास में हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के अंतर्गत बना रहे हैं। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का एडिशन, यहां कितने हाइड्रोजन है दो, यहां कितने हाइड्रोजन हुए चार, तो क्या हुआ हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। इसके पहले हमने पढ़ा था डी, डी मतलब निकल जाना, रिमूविंग ऑफ, यहां पढ़ रहे हम हाइड्रोजिनेशन। इसके आगे यदि डी लग जाता तो हम हाइड्रोजन को निकालते हैं, कि हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं हम, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां अल्काइन था, यहां हमने अल्कीन बनाया, अल्काइन में आपके हाइड्रोजन दो है, अल्कीन में हाइड्रोजन आपके चार है, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एड हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। नोट लगा लो, क्या बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। अब हम देख रहे हैं यहां पर क्या है रिडक्शन, यहां पर क्या है आपका रिडक्शन। अब रिडक्शन इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एडिशन जो होता है वो होता है रिडक्शन। तो यहां पर जो अल्काइन से अल्कीन बना रहा है उसमें दो प्रोसेस आ रही, पहली प्रोसेस आ रही हमारे पास में हाइड्रोजिनेशन, और दूसरी प्रोसेस आ रही हमारे पास में रिडक्शन। अब यह रिडक्शन कितने प्रकार का होता है, रिडक्शन आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका कंप्लीट रिडक्शन और एक होता है आपका पार्शियली रिडक्शन। तो यहां पर हमारे पास में कंप्लीट रिडक्शन जो होता है वो कौन कराता है, मैं यहां पर रिएजेंट लिख देता हूं इसका, कंप्लीट रिडक्शन कराने के लिए आप H2PD या H2PT या H2ANI का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कहीं लिखा हुआ होगा आपका H2PD। जैसे हमको ये बनाना है, क्या बनाना है अल्कीन बनाना है। अब यदि मान लीजिए इसके ऊपर हम यहां पर एरो के ऊपर जो रिएजेंट यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है H2NI, कर लिया हमने H2NI। हमको क्या बनाना था, हमको बनाना था अल्कीन, लेकिन ये कंप्लीट रिडक्शन करता है, ये दोबारा इसके ऊपर भी अटैक करेगा, H2NI यहां अटैक करेगा और इसको बना देगा CH3 सिंगल बोन CH3। या आप इसके ऊपर यूज कर सकते थे H2PT, तो क्या बनता आपका CH2 डबल बोन CH2, लेकिन ये दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाता CH3 सिंगल बोन CH3 में। या यहां पर आप क्या H2PT PD आपने यदि प्लेटिनम यूज किया तो हमारे पास में सेम प्रोसेस, ट्रिपल बोन से क्या बनता डबल, और डबल से क्या बन जाता हमारे पास में सिंगल बोन। हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है अल्कीन, क्या बनाना है हमको अल्कीन। यदि हमको अल्कीन बनाना है तो इस वाली प्रोसेस को यहां जाने से रोकना है, हमको कुछ ऐसा करना है जिससे ये वाली प्रोसेस हमारे पास में ना हो पाए। तो एक बात याद रखना, यदि आप H2NI, यदि आप H2PT या H2PD लेते हैं तो ये कंप्लीट रिडक्शन कर देता है, क्या करता है रिडक्शन करा देता है, कंप्लीट रिडक्शन करा देता है। रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है हमारे पास में रिडक्शन। तो इसने कंप्लीट रिडक्शन करा दिया सिंगल बोन में, और हमको अल्केन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए अल्कीन। यदि हमको अल्केन चाहिए होता तो हम यहां पर H2NI ले सकते थे, मतलब यहां हम कंप्लीट रिडक्शन का फार्मूला यूज कर सकते थे यदि अल्केन चाहिए होता तो। लेकिन हमको अल्केन से कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, हमको चाहिए है अल्कीन। और जब अल्कीन चाहिए है तो हमको कंप्लीट रिडक्शन ना करा के कौन सा कराना है, हमको पार्शियली रिडक्शन, ये है हमारे पास में काम की बात, हमको कराना है पार्शियली रिडक्शन। अब पार्शियली रिडक्शन कराने के लिए हमारे पास में कुछ कैटलिस्ट आते हैं जिनको हमको याद रखना है। तो पहला हमारे पास में आता है पार्शियली रिडक्शन में जो हम यूज करेंगे, वो यूज कर रहे हैं हम बर्च रिडक्शन। तो यहां हम बर्च रिडक्शन का यूज कर सकते हैं, दूसरा हम यहां लिडलार कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं, फिर यहां पर हम
P2 कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं, और आखिरी का एक आता है हमारे पास में बाय हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के द्वारा भी अल्कीन को बना सकते हैं। ये सारे के सारे आपके पार्शियली रिडक्शन कराते हैं, होने के लिए तो और भी है लेकिन फिलहाल हम इन चारों पे बात करेंगे। पार्शियली रिडक्शन के लिए क्यों बनाना पार्शियली रिडक्शन, क्योंकि हमको अल्केन नहीं बनाना है, ये कंप्लीट रिडक्शन है। हमको यहां पर क्या करना है, हमको यहां पर यूज करना है पार्शियली प्रोसेस या रिडक्शन, हमको क्या कराना है पार्शियली प्रोसेस डेवलप करना है या कहें कि पार्शियली रिडक्शन करना है। ये क्या हुआ आपका, ये हुआ कंप्लीट रिडक्शन। हमको कंप्लीट रिडक्शन नहीं करना है, हमको पार्शियली रिडक्शन करना है, जिसके लिए हम यहां पर कौन सी मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहां यूज करेंगे बर्च रिडक्शन। क्या यूज करेंगे हम, बर्च रिडक्शन। अब ये बर्च रिडक्शन क्या होता है, तो कोई भी रिएक्शन तो वही होती है, देखो यहां पर रिएक्टेंट वही रहेगा, प्रोडक्ट हमको वही रहेगा भाई। यहां रिएक्टेंट अल्काइन से बना है तो अल्काइन ही होगा, अल्कीन बनाना है तो अल्कीन का फार्मूला लिखेंगे, लेकिन यहां पर बर्च रिडक्शन क्या होता है ये डिसाइड करता है कि आपने कैटलिस्ट कौन सा लिया है। बर्च रिडक्शन एक स्पेसिफाई या एक स्पेसिफिक आप कैटलिस्ट लेते हैं, तो वो कैटलिस्ट जैसे ही आपने यूज किया प्रोसेस में तो उस कैटलिस्ट के आधार पर यहां पर हमारे पास में नाम हो जाएगा। तो हमारे पास में देखो यहां भी हम जैसे एक एग्जांपल में आपको यहां बताता हूं, मैंने यही लिखा, सपोज करो हम ऊपर की ही बात करते हैं, अब हम किस पे आ रहे हैं, अब हम बर्च रिडक्शन पे आ रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, यहां ये भी हमने मिटाया। अब जरा ध्यान से देखना, हमारे पास में अभी भी अल्काइन ही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अल्काइन, ये हमने यहां पर अल्काइन लिख दिया। अब हमारे पास में यहां पर अभी हमने क्या डाला था, अभी हमने डाला था एनआई पीटी पीडी या एच टू एनआई पीटी पीडी हमने यहां पर अभी डाला था, इसने कंप्लीट रिडक्शन कराया। लेकिन अब हम देखो रिएजेंट तो ये भी है, ये क्या है आपका रिएजेंट, लेकिन इस रिएजेंट का यूज हम यहां पर नहीं करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट रिडक्शन कराता है, तो हमको पार्शियल रिडक्शन करना है जिसमें बर्च रिडक्शन जिसको हमने बोला है। तो बर्च रिडक्शन के लिए यहां पर हमारे पास में जो रिएजेंट रहेगा, बर्च रिडक्शन के लिए जो हमारे पास में यहां रिएजेंट रहेगा, बर्च रिडक्शन के लिए जो हमारे पास में यहां पर रिएजेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा हमारे पास में सोडियम Na, लिक्विड NH3 यूज कर सकते हैं, या आप दूसरा लिथियम लिक्विड NH3 यूज कर सकते हैं। ये दो कैटलिस्ट हमको यूज करना है, यदि आपने इन दोनों को यूज किया तो बनने वाला जो होगा प्रोसेस वो कहलाएगा बर्च प्रोसेस, और जो रिडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। लेकिन कब बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट कौन सा होना चाहिए, यहां कैटलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो यहां कैटलिस्ट कौन सा होना चाहिए, ये दो होने चाहिए, मैंने ऊपर लिख दिए, आप यहां पर लिख लेना। तो यहां पर कैटलिस्ट है आपका Na, सोडियम या लिथियम किसके साथ में, लिक्विड NH3 के साथ में, यह कराता है बर्च रिडक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अच्छा एक बात और, यदि मान लो ये हो गया, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां इसको हम करते हैं, ये हमने इसको यहां लिख लिया, ध्यान से देखना CH CH CH, इसके ऊपर हमने ये डाल दिया, क्या डाला आपने, Ni और सोडियम लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में हमने करा दिया, बिल्कुल करा दिया। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा CH CH2, बन गया CH2। क्या बनाना था हमको, हमको बनाना था अल्कीन, ये बन गया अल्कीन, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा है, अल्कीन हमारे पास बनाना था, अल्कीन हमने बना दिया। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि ये ऐसे भी तो बन सकता है, कैसे, ध्यान से देखो, यदि मान लो हम इसको तोड़े तो ये ऐसे हो सकता है, ये CH है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये H है,
ये हो सकता है कि ये एच एक ऊपर लगे, एक एच नीचे लगे, ये डबल बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है? ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे? ये सी एच है, ये एच हुआ, ये एच हुआ, ये डबल बॉन्ड हुआ, ये सी हुआ, ये एच हुआ और ये एच हुआ। समझ रहे हो ना? इसको ऐसे लिख देते हैं, ये लो। कुल मिला के बात क्या हुई? बात ये हुई कि हो सकता है एक हाइड्रोजन ऊपर से, एक हाइड्रोजन नीचे से लगे, ये हो सकता है। दोनों हाइड्रोजन कहां से लगे? सेम साइड से लगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर इसको बोलते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं हम इसको? ट्रांस। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप सिस। इसको बोलते हैं ट्रांस और इसको क्या बोलते हैं आप? सिस। अब बात यह है कि यह बर्च रिडक्शन जो होता है ये कौन से रिएक्शन देता है? यह बर्च रिडक्शन होता है ये कौन से रिएक्शन देता है? तो ये हमारे पास में ट्रांस का फॉर्मेशन करता है। याद रखना यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, कि ये आपके पास में ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है। कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है। सिस प्रोडक्ट यहां पर नहीं बना करता, यहां पर ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है। ये कहे कि यहां पर ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन करता है अल्काइन से। एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है, जैसे यदि मान लीजिए हम आपसे बोले अल्काइन से, किससे बनाया हमने? अल्काइन। ये किससे बनाया? अल्काइन। क्या बनाया आपका? अल्कीन। अल्काइन से बनाया हमने। क्या बनाया आपने? अल्कीन बनाया। यहां एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखना। क्या बात याद रखना? कि हमारे पास में ये जो हमने प्रोसेस किया है इसमें अल्कीन से तो वो अल्काइन से तो अल्कीन बना, अल्काइन से अल्कीन बना, लेकिन अभी भी ये प्रोसेस गलत है। इसको हम बर्च रिडक्शन नहीं बोलेंगे, बर्च रिडक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि बर्च रिडक्शन नॉट फॉर टर्मिनल अल्काइन, ये टर्मिनल अल्काइन के ऊपर काम नहीं करता है। देखो अब टर्मिनल अल्काइन मतलब कौन सा? जो सिरे पे अल्काइन होता है। एग्जाम्पल टर्मिनल, टर्मिनल अल्काइन, नोट फॉर टर्मिनल अल्काइन कौन कौन सा होगा आपका? ये हो सकता है आपका CH3 सिंगल बोन, CH ट्रिपल बोन, CH, इसके ऊपर बर्च रिडक्शन काम नहीं करेगा। दूसरा आपका ये हो सकता है CH3 से आपका हो सकता है CH ट्रिपल बोन CH, इसके ऊपर भी आपका बर्च रिडक्शन काम नहीं करेगा। कौन सा हो सकता है आपका? आपका हो सकता है CH3 सिंगल बोन, CH2 सिंगल बोन, CH डबल बोन ट्रिपल बोन, C ट्रिपल बोन आपका CH, इस पे भी काम नहीं करेगा। तो क्या बताया हमने? कि जो बर्च रिडक्शन होता है ये बर्च रिडक्शन हमारे पास में टर्मिनल अल्काइन के ऊपर वर्क नहीं करता। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अल्काइन से अल्कीन जरूर बनता है, अल्काइन से अल्कीन बनता है, लेकिन इसको हम बर्च रिडक्शन नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि बर्च रिडक्शन कभी भी नॉट फॉर टर्मिनल अल्काइन, ये टर्मिनल अल्काइन के लिए नहीं है, वो दूसरी प्रोसेस के अंतर्गत है, वो नॉर्मली बन जाता है आपका, लेकिन उसको हम बर्च रिडक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि बर्च रिडक्शन टर्मिनल अल्काइन के ऊपर वर्क नहीं करता है। बात समझ में गए? ये क्या है आपका? टर्मिनल अल्काइन, ये गलती लिख दिया यहां ना, ये क्या है आपका? टर्मिनल अल्काइन, ये क्या है? टर्मिनल अल्काइन। अब टर्मिनल अल्काइन कौन सा होता है? जो सिरे पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये बिल्कुल फर्स्ट में, उस पे काम नहीं करता है। अब बात करें क्या यहां पर ये काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहां कौन सा अल्काइन ले? इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा आपका, यहां पर देखो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये हो जाएगा आपका CH3, ये आपका टर्मिनल अल्काइन नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड कहां है? इसमें बीच में है। टर्मिनल 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 एक शब्द आ रहा है ना, टर्मिनल, इसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं बच्चों, यदि आपके पास में डबल बॉन्ड सिरे पे है तो उसको बोलते हैं टर्मिनल अल्कीन, डबल बॉन्ड यदि आपके पास वो ट्रिपल बॉन्ड यदि आपके पास सिरे पे है तो उसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। इस पोजीशन को आप मान लीजिए, यहां आप ट्रिपल बॉन्ड लगा के डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टर्मिनल अल्कीन, टर्मिनल अल्कीन। यहां आप डबल बॉन्ड लगा देते हैं, क्या बोलते हैं आप? टर्मिनल अल्कीन।
टर्मिनल मतलब जो सिरे वाली पोजीशन है उस पोजीशन का नाम है और बाकी कोई नहीं है। फिलहाल तो यहां अल्काइन की बात कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ट्रिपल बोन्ड लगाएंगे। तो इसके ऊपर ये काम करेगा क्या? तो आंसर है हाँ बिल्कुल काम करेगा। कैसे काम करेगा? यहां उठाकर डाल दीजिए आप, क्या ये दो कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हैं। कौन सा? या तो आप एन ए लिक्विड NH3 या लिथियम लिक्विड NH3, इन दोनों में कोई सा भी यूज कर लूं। तो यहां पर जैसे ही आपने कैटलिस्ट डाला क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये कौन सा अल्काइन बनाएगा? ये बनाएगा आपके पास में ट्रांस। इसलिए इसको ऐसे ना लिख के आप इसको ऐसे लिख लो, कैसे, एक हाइड्रोजन ऊपर लगा लो और एक हाइड्रोजन नीचे लगा लो, ये है आपके पास में ट्रांस। ये क्या है आपके पास में? ट्रांस प्रोडक्ट। ये आपके पास में ट्रांस प्रोडक्ट देता है। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट लगा लेना। तो इतना आप लिखो। अभी हमने क्या समझाया? हमने ये समझा कि प्रिपरेशन करना है हमको अल्किन का, अल्किन का कहें कि फॉर्मेशन हमको करना है, प्रिपेयर करना है। किससे कर रहे हैं हम? अल्काइन से कर रहे हैं। तो अल्काइन ये हमने ले लिया, तीन बॉन्ड को हम दो बॉन्ड में बदल रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन है आपकी एडिशन रिएक्शन। अब इस एडिशन रिएक्शन में हम यूज कर सकते हैं H2NiPTPD, लेकिन इसको हमको यूज नहीं करना है क्योंकि ये कंप्लीट रिडक्शन करा देता है, ये आपका कंप्लीट रिडक्शन करा देता है। तो हमको कंप्लीट नहीं करना है, हमको डबल बॉन्ड पर रुकना है। जब डबल बॉन्ड पर हमको इसको रुकना है तो हम इसके लिए पार्शियली रिडक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। रिडक्शन हमने क्यों बोला यहां पर? रिडक्शन इसलिए बोला क्योंकि यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है, ये कहें कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। जब हाइड्रोजन एड होता है किसी में तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन का एडिशन होता है आपका रिडक्शन, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है आपका ऑक्सीडेशन। तो यहां हाइड्रोजन एड हुआ, कितने हाइड्रोजन? दो। कितने हाइड्रोजन? चार। इसलिए हमने इस प्रोसेस को बोला रिडक्शन। अब यहां पर हमारे पास में पार्शली रिडक्शन करने की कुछ प्रोसेस है जिसके ऊपर आज हम वर्क करेंगे। पहला है हमारे पास में बर्च रिडक्शन, जो मैंने आपको यहां पर समझाया। दूसरा है हमारे पास में लिडलार कैटलिस्ट, अब ये क्या होता है इसको भी अपन अभी समझेंगे। फिर होता है हमारे पास में P2 कैटलिस्ट, ये भी हमारे पास कैटलिस्ट है, और ये है हमारे पास में बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ये हमारे पास में पार्शली रिडक्शन करा देता है, मतलब ये अल्काइन को सिंगल बॉन्ड तक नहीं जाने देगा, ये कहां रोक देगा? बीच में ही रोक देगा, अल्किन बन जाएगा। और हमको अल्किन ही चाहिए था, यदि हमको अल्किन चाहिए होता तो हम सीधा क्या डालते इसमें? H2PTPDNi हम डाल देते, अल्किन बन जाता। लेकिन हमको अल्किन चाहिए है, इसलिए हमको पार्शियल रिडक्शन करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना लिखो, उसके बाद फिर आगे लिखते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए, ताकि आप भूलो नहीं, मैंने इस पे यहाँ मैकेनिज्म इसकी दी हुई है, हालांकि करवाना नहीं चाहिए था आपका आपको, क्योंकि इतना समय नहीं है। फिर भी कोशिश करता हूँ मैं आपको कि सही में आए। देखो बच्चों, होता क्या है एक्चुअली कि यहाँ पर जो हमने लिथियम लिया है या हमने सोडियम लिया हुआ है, उसका काम क्या है? तो हमारे पास में पहली प्रोसेस आती है। पहले प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ से लिथियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है और प्लस में चला जाता है। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया, कितने इलेक्ट्रॉन मिल गया? एक इलेक्ट्रॉन हमको मिल गया। अब क्या होता है? अब यह होता है कि यहां से जो हमने अल्काइन लिया था उसका ये एक बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ये एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो पूरी तरीके से, क्योंकि एडिशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन नहीं, कंप्लीट हमारे पास में दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के ऊपर जाएंगे। सपोज करो हमारे पास में यहां दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसके ऊपर माइनस आया, इसके ऊपर प्लस आया, तो यहां आपका माइनस प्लस, ये उल्टा कर दिया। आप चाहो तो ऐसा कर लो, ये लो, इसके ऊपर माइनस आया, इसके ऊपर प्लस आया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन था, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है, चला गया। और हमको सबको मालूम है कि ये ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये CH3, ये कार्बन, ये दो इलेक्ट्रॉन को हमने इसमें लिख दिया ऑर्बिटल में, ये हमने बता दिया कि भाई ये पी ऑर्बिटल में है दो इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ही है। अब यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो हमारे पास फ्री रेडिकल बनता, तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे माइनस वाला, दो इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन हुए, ये आपका फ्री रेडिकल हुआ। अब इसमें क्या हुआ? अचानक इन दोनों में रिपल्शन होने लगा, इन दोनों में क्या होने लगा? आपका रिपल्शन होने लगा। तो जैसे ही ये रिपल्शन हुआ तो एक ऊपर रह गया और दूसरा नीचे आ गया, ये देखो यहां से दूसरा नीचे आ गया। अब हमने लिथियम के साथ क्या यूज किया है? हमने लिथियम के साथ यूज किया है लिक्विड अमोनिया NH3। अमोनिया का क्या काम है?
अमोनिया का यहाँ जो काम होता है वो H प्लस यहाँ से मिलता है, अमोनिया से हमको H प्लस मिलता है, लिक्विड अमोनिया से H प्लस हमको मिला। जब यहाँ से H प्लस हमको मिला तो ये दो इलेक्ट्रॉन H को अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जिससे H आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को H को दे दिया, तो यहाँ हमारे पास में क्या हुआ, CH3, सी ऊपर आ गया आपका H, डबल बॉन्ड, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और ये CH3 है। दोबारा फिर क्या होता है कि यहाँ लिथियम एक इलेक्ट्रॉन और निकलता है, हम इसको यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, दो Li हमने पूरी प्रोसेस में यूज किया जिससे हमको दो इलेक्ट्रॉन मिले, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज कर लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ। इसके पास एक फ्री रेडिकल तो था, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन और इसके पास चला गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। जो यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन था अब वो किसमें बदल गया, दो इलेक्ट्रॉन में। दोबारा यहां से हमारे पास NH3 लिक्विड हमने यूज किया, वहां से हमको H मिलेगा और ये H यहां जाएगा आपके पास में, चला गया, तो एक H यहां लग गया। तो देखो ये वाला H कहां का था, इस वाले अमोनिया से मिला ऊपर वाला, ये वाला H कहां से है, नीचे वाले से मिला। इस प्रकार से ये क्या बन जाता है आपका, ट्रांस बन जाता है। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। तो ये हुआ हमारे पास में वर्चुअल रिडक्शन, हमने यहां पर बताया आपको कि वर्चुअल रिडक्शन हमारे पास में ट्रांसप्रोडक्ट देता है, इसका जो कैटलिस्ट होता है वो होता है आपका लिथियम लिक्विड अमोनिया या सोडियम लिक्विड अमोनिया, इतनी बात हमको याद रखनी है यहां पर, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं लिडलार कैटलिस्ट के ऊपर। ये लिडलार कैटलिस्ट क्या है आपका, कैसे काम करता है, मैं यही पर बता देता हूं। ये लो दिख रहा है ना सभी को, यहीं पर हम इसकी बात कर लेते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये वाला कंप्लीट हुआ, अब यहां हम दूसरी बात कर रहे हैं लिटिल आर कैटलिस्ट। इनको बहुत अच्छे से आपको बार 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 बुक में लिख के प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के आपसे नहीं बनने वाला। तो ठीक है, एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल ले लिया। एक बात और मैं यहां पर चलो इसके लिए क्लियर करवाई देता हूं कि ये भी आपके पास में नॉट फॉर टर्मिनल, नॉट फॉर टर्मिनल अल्काइन, ये भी टर्मिनल अल्काइन पे काम नहीं करेगा, जैसे इसने भी टर्मिनल अल्काइन पे काम नहीं किया था, ये भी टर्मिनल अल्काइन के ऊपर काम नहीं करता है, कोई वर्क नहीं करता है उसके ऊपर। हाँ, उसके बाद में हमारे यहां जो कैटलिस्ट है, देखो एक बात और याद रखना, रिएक्शन की पहचान उसके कैटलिस्ट से होती है कि आपने कौन सा कैटलिस्ट यूज किया, उसी के आधार पर उसका नाम होता है। तो कैटलिस्ट आपका रिएक्शन की नेमिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कैटलिस्ट तो यूज कर रहे हैं आप लिथियम और आप बता रहे हैं उसको कि आपका लिंडलार कैटलिस्ट हो गया, ना ना ना, ये साइंटिस्टों ने कैटलिस्ट दिए हैं उन्हीं के बेसिस पे, ये अपने कैटलिस्ट के आधार पे, जिसने जो कैटलिस्ट दिया है और उस कैटलिस्ट का क्या काम होता है उस साइंटिस्ट के आधार पर उस रिएक्शन का नाम पड़ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो कैटलिस्ट है वही डिपेंड करता है, वही आपका सेलेक्ट करता है कि रिएक्शन का नाम क्या होगा, कुछ भी नाम मत लिख देना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना। तो हम बात कहां कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि ये जो लिंडलार कैटलिस्ट है नॉट फॉर टर्मिनल अल्काइन, ये भी टर्मिनल अल्काइन के लिए नहीं होता है। दूसरा, इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इसमें पीडी, यहां दो कैटलिस्ट यूज होते हैं आपके, पहला और दूसरा पीडी BaSO4 आप यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम BaSO4 आप यूज कर सकते हैं, या आप यहां यूज कर सकते हैं CaCO3, प्लेटिनम CaCO3, ये दोनों यहां आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए भी दो थे आपके, पहला और दूसरा, इसके लिए भी आपके पास में दो हैं, कौन सा, या तो आप यूज कर सकते हैं PdBaSO4 या आप यूज कर सकते हैं PdCaCO3, बात समझ में आ रही है। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर कौन सा प्रोडक्ट था, यहां पर हमारे पास में ट्रांस प्रोडक्ट था, यहां पर जो प्रोडक्ट रहेगा हमारे पास में वो सिस बनेगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा या अल्किन बनेगा। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो मैंने यहां पर लिखवा दिया कि ये हमारे पास में सिस बनेगा। अब इसका काम तो हो गया, हम यहां इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से इसको हम समझेंगे। तो जैसे यही इसका एग्जांपल ले लो, क्या है आपके पास में CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और यहां आ जाएगा हमारे पास CH3। यहां हमारे पास में कैटलिस्ट यूज करना है, कौन सा, कोई सा भी यूज कर लो, PdBaSO4
एसओ फोर यूज कर लिया, या क्या यूज कर सकते हो आप, पीडीसीए सीओ थ्री आपने यूज कर लिया। ठीक है, एक बात और याद रखना, यह होता है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ये सल्फर की प्रेजेंस में आपका यहां पर काम करता है, यदि सल्फर की प्रेजेंस नहीं रहेगी तो यहां काम नहीं करेगा ये। ठीक है, ये एक और होता है आपका वो क्या होता है, क्वीनोल ऐसा कुछ उसका नाम है, वो नाम याद नहीं आ रहा है, क्या है आपका क्वीनोलाइन है, यस हाँ क्यूनोलाइन, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर या इन प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलाइन के प्रेजेंस में ये हमारे पास वर्ग करता है। ठीक है, अब देखो अल्काइन है तो स्वाभाविक अल्किन बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा आपका CH3, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। हाँ, ये कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, सिस वाला, तो यहां पर हमारे पास एक हाइड्रोजन, या तो दोनों हाइड्रोजन नीचे से लगा दो या दोनों हाइड्रोजन आप ऊपर से लगा दो, बात समझ में आ रही है ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास में ये याद है पीटी पीडी पीडी एनआई का काम क्या होता है भाई, ये आपके पास में एक मेटल होती है, ये आपके पास में धातु है मेटल है, यहां हमारे पास में ये सरफेस है, इसकी ये सरफेस मान लो सरफेस है, अब यहां आपका हाइड्रोजन चिपका हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, या तो वो नीचे से आएगा या वो ऊपर से आएगा, नीचे आएगा तो दोनों नीचे से जुड़ जाएंगे और ऊपर से आएगा दोनों ऊपर से जुड़ जाएंगे, बस समझ में आ रही, इसलिए ये सिस हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, सिस फॉर्मेशन होता है या सिस अल्किन बनता है। दूसरी बात, यहां BaSO4 या कहें कि हम यहां पर CaCO3 का यूज क्यों किया, तो जो BaSO4 है या जो CaCO3 है ये एज अ पॉइजन काम करता है, ये ट्रिपल बॉन्ड से फर्स्ट बॉन्ड पे जाने से इसको रोकता है, ये बीच में ही रोक देता है, ये एक एज अ पॉइजन इसको यूज किया जाता है, तो हमारे पास में ये यूज करने से क्या होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पर नहीं जा पाता, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 ये सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता, समझ रहा हो ना, सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये रोक देता है, कहां बनाएगा, यहां पास डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये था हमारे पास में लिंडलर कैटलिस्ट, इसके पहले हमने बताया आपको बर्थ रिडक्शन, तो बर्थ रिडक्शन में आपको बस कैटलिस्ट यूज करना है और बाकी जो कंडीशन है वो आपको पता नहीं है कि टर्मिनल एल्काइन के ऊपर इसको हम यूज नहीं कर सकते, कई बार तो सिंपल ऐसे ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि चार ऑप्शन दे दिए, बताइए इनमें से किसके ऊपर ये लिडलार ये आपका बर्थ रिडक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो हम देखेंगे वहां पर कि यदि आपका टर्मिनल एल्काइन है तो नहीं होगा, स्वाभाविक है आपके पास में यदि कोई ऑप्शन है अल्काइन है तो देखो अल्काइन से अल्किन तो बनेगा, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा, लेकिन नाम नहीं दे सकते हम उसको बर्थ रिडक्शन या हम उसको लिडलार कैटलिस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि टर्मिनल अल्काइन के ऊपर काम नहीं करते, ये बात समझ में आ रही है, सीधी सी बात है। चलो इसको लिखो, उसके बाद में फिर कौन सा बचा है, P2 कैटलिस्ट बचा है, इसको भी मैं अभी करा ही देता हूं, लिखो जरा, लिख लिया, तो एक छोटा सा है उसको भी यहां करा ही देते हैं, लगे हाथ इतने में बन जाएगा, ये कौन सा है अपना P2 कैटलिस्ट तीसरा यूज कर रहे हैं हम, P2 कैटलिस्ट, ये क्या ये दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा, थोड़ा नीचे लिख देते हैं P2 कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट, ये P2 कैटलिस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम इसमें यूज करेंगे कि ये कैटलिस्ट है क्या, किसको P2 कैटलिस्ट बोला गया है, तो यहां पर हमारे पास में जो निकिल बोराइड कैटलिस्ट है उसी को आपने P2 कैटलिस्ट बोला है, यहां निकिल बोराइड कैटलिस्ट को ही P2 कैटलिस्ट बोला गया है। अच्छा ये होता क्या है, ये है हमारे पास में NiBr, या आपको ये मिल सकता है Ni2b, ऐसे भी आपको मिल सकता है, किसी भी रूप में ये आपको मिल सकता है, डरने की बात नहीं है, यही कहलाता है आपका P2 कैटलिस्ट। दूसरी बात ये है कि ये आपके पास में सिस अल्किन देता है, ये आपके पास में सिस अल्किन देता है, याद करो यहां PD था, देखो क्या था आपका PD, ये भी आपके पास में मेटल है, ये हमारे पास में निकिल है, ये भी हमारे पास में ऐसा ही मेटल है, निकिल
और प्लेटिनम और प्लेटिनम, ये सारे मेटल में हमारे पास में हार्डवेयर यहां से ऐसा लगेगा, या तो आपने ऊपर से प्लेट डाला तो ऊपर से सीधा लग जाएगा सिस, या नीचे से डाला तो दोनों हार्डवेयर नीचे से लगेंगे, मतलब एक ही साइड से लगेगा, किसके साथ में, पीडी के साथ में, पीटी के साथ में, और किसके साथ में, निकल के साथ में। इसलिए यहां पर हमारे पास जो अल्किन बना वो कौन सा बना हमारे पास में, अल्किन, वो बना हमारे पास में सिस अल्किन। इतनी बात सही में आ रही है, सिस अल्किन या सिस प्रोडक्ट, ये इतनी सी बात हमको याद रखनी है, दूसरी बात कोई याद हमको नहीं रखनी है। तो आंसर करते हैं, चलो इसी को कर लेते हैं। मान लीजिए ये है आपके पास में सी एस थ्री सिंगल बोन सी, ट्रिपल बोन सी, सिंगल बोन क्या है आपके पास में सी एस थ्री, आपने यहां डाला, क्या डाला हमारे पास में, ये कैटायन शार्प डाल दिया, डाल दो, कौन सा है आपका, निकिल बोराइड आपने यहां पर डाल दिया, क्या बनेगा, यहां से डबल बोन बन जाएगा, ये सी एस थ्री सिंगल बोन सी, डबल बोन सी सिंगल बोन सी एस थ्री, ये हार्डवेयर यहां से जाएगा, ये हार्डवेयर ये बन गया आपके पास में। यही है हमारे पास में क्या, पी टू कैटलिस्ट, यही है हमारे पास में पी टू कैटलिस्ट, कौन, निकिल बोराइड कैटलिस्ट, निकिल बोराइड कैटलिस्ट को ही हमने क्या बोला है, पी टू कैटलिस्ट। तो इस प्रकार से आज आपका कितना हुआ कंप्लीट, एक तो बर्च रिडक्शन हुआ, दूसरा लिंडलार्ड कैटलिस्ट हुआ, तीसरा पी टू कैटलिस्ट हुआ, अब बचा हुआ है हमारे पास में बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इतना करो उसके बाद में फिर हम आगे कराते हैं, लिख लिया आपने ना, देखो अब आखिरी प्रोसेस और बची है, इसको और कर लेते हैं अल्किन बनाने की। तो ये प्रोसेस कौन सी है, इसको बोलते हैं कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, क्या बोला जाता है, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एक्वस या एक्वस सोडियम, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम किसका, कि बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम और एक्वस पोटेशियम सोल्ट, एक्वस सोडियम और पोटेशियम सोल्ट। और आप जानते हैं सोल्ट कब बनता है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, सोल्ट बनता है, एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा आपका, सोल्ट बनेगा, ये तो आपको मालूम ही है। हाँ, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है सोल्ट बनता है, तो हमारे पास में एक्वस सोडियम या एक्वस पोटेशियम सोल्ट ले लो, या तो सोडियम सोल्ट ले लो या पोटेशियम सोल्ट ले लो, किसका, डाई कार्बोक्जिलिक एसिड का, डाई कार्बोक्जिलिक एसिड का, इसको बोलते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। अब देखो क्या होता है, हमने ले लिया एसिड डाई कार्बोक्जिलिक एसिड, तो हमने यहां सक्सिलिक एसिड का यूज किया, ले लिया। अब यहां से क्या हुआ, या तो हाइड्रोजन को पोटेशियम ले लो या सोडियम ले लो, हमने बोला यहां चाहे सोडियम ले सकते हो चाहे पोटेशियम ले सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो ले सकते हो। तो यहां सोडियम पोटेशियम मैंने दोनों लिख दिए फिलहाल, तो एक हाइड्रोजन एक पोटेशियम रिप्लेस कर दिया, कर दिया, तो यहां आप हाइड्रोजन निकल गया आपका, हाइड्रोजन निकले आपका एक और एक दो एच टू निकल गया, निकल गया, क्या बचा आपका, आपका बचा यहां से के को उठा के यहां जोड़ दो और एक के को उठा के यहां जोड़ दो। हाँ, बात यह है दो के लगेंगे, ठीक है भाई दो के ले लो, ठीक है। अब यहां आप सोडियम भी ले सकते हो, तो अब इनमें से कोई एक को हम लेके चलते हैं, ये हमने ले लिया, तो ये बन गया हमारे पास में सोल्ट, ये क्या बना हमारे पास में सोल्ट, ये है आपके पास में डाई पोटेशियम सक्सीनेट, इसको बोलते हैं डाई पोटेशियम सक्सीनेट, इसको बोला जाता है सी एच टू सी डबल ओ के, सी एच टू सी डबल ओ के डाई पोटेशियम, देखो दो लगे हुए हैं पोटेशियम, इसलिए डाई पोटेशियम पूरा भी बोला जाता है सक्सीनेट, ये बोला जाता है डाई पोटेशियम पूरा बोला जाता है सक्सीनेट, डाई पोटेशियम सक्सीनेट, ये बन गया। अब आगे क्या काम है, चाहो तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां से दो बार अब इसका काम है हमको, इनका किसी का काम नहीं है, इनका किसी का काम नहीं है, तो मात्र एक समझाने के लिए मैंने आपको यहां लिख दिया। अब इसका काम है हमको, हमने ये बना लिया, कहां से बना पता चला, एसिड की रिएक्शन पोटेशियम से कराई हमने, किस एसिड की, सक्सीनिक एसिड की, तो हमको ये सोल्ट मिल गया। अब क्या करें, अब इस सोल्ट के लिए आपको पड़ेगी, अब आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको मालूम है, क्या मालूम है, कि हमारे पास में एक सेल होता है, ये हम बना देते हैं यहां पर, हमारे पास में एक सेल होता है, यहां पास में एक रोड होती है, इधर इधर एक रोड होती है, इलेक्ट्रोड होते हैं, याद है इलेक्ट्रोड, एक पे होता है रिडक्शन, एक पे होता है ऑक्सीडेशन। तो जब आपने ये सेल यूज किया तो सेल में आप पानी भी तो लोगे कि नहीं लोगे, H2O, और साथ में इसमें भरा हुआ है सोल्ट, क्या भरा हुआ है आपका सोल्ट, और उसमें क्या है आपका पानी, तो ये क्या हुआ आपका
सोल्ट हुआ, साथ में आपको क्या लेना है, साथ में लेना है आपके पास है पानी, ले लिया आपने। इससे क्या होगा, इससे ये होगा हमारे पास है कि यहां से हमारे पास में H2O से क्या मिलेगा हमको, यहां से मिलता है H और यहां से मिलता है आपको OH, मिल गया। तो ये हमारे पास में OH और ये हमारे पास में K, ये OH और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा K। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहां से हो जाएगा हमारे पास में KOH, नीचे कर दो माइनस KOH। कितने KOH निकलेंगे यहां से, कितने पोटेशियम है आपके पास में, आपके पास में दो के हैं, आपके पास कितने के हैं, दो के हैं, तो आपको यहां से निकल गया दो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बचा आपके पास में, आपके पास में दो हाइड्रोजन बचे। अच्छा, यहां दो यूज करना पड़ेगा आपको, जब दो पोटेशियम है तो दो यूज करना पड़ेगा, जब तो आपके पास में क्या निकलेगा हाइड्रोजन और OH दो निकलेंगे, एक इसके साथ चला गया, एक इसके साथ चला गया, माइनस दो KOH। और क्या मिला, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बनता है आपका, H2 बनता है, क्या बनता है आपका, H2 बनता है। कितने हाइड्रोजन यहां, चार, तो कितने हाइड्रोजन निकलेंगे यहां, टू H2 निकलेंगे, निकल गया, निकल गया। जो बचा उसको लिख दो, क्या बचा आपके पास में, आपके पास में बचा यहां से CO, CO और ये, तो यहां से आपका CO2 भी निकल जाता है, ये CO2, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस टू CO2 निकल जाएगा, निकल गया। क्या बचा आपके पास में, आपके पास में बचा CH2, मेन प्रोडक्ट बता रहे हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बचा आपका, बाकी ये सब बाय प्रोडक्ट निकल जाते हैं। बात समझ में आई, नहीं आई, अल्किन बनाना था, अल्किन बन गया, कोई बात नहीं, फिर दोबारा आपको समझा देते हैं हम मैकेनिज्म से। ये आपने सेल लिया, सेल ले लिया, आपको मालूम है एक इसमें कैथोड होता है और एक इसमें एनोड होता है, ये तो आपको मालूम ही है, एक कैथोड है एक एनोड है। अब इस साइड कैथोड है, उस साइड एनोड है, उस साइड कैथोड है, इस साइड एनोड है, इसमें मत पढ़ो। सीधी एक बात आपको मालूम है क्या, कि हमारे पास में जो एनोड होता है, एनोड के ऊपर हमारे पास में ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ऑक्सीडेशन होता है, याद है ना। जैसे हमारे पास में ये लिथियम है, यहाँ पास में लिथियम प्लस गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो लिथियम जीरो से कहाँ गया प्लस में, तो इसका क्या हुआ हमारे पास में, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा 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 एनोड के ऊपर, हमेशा एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, और हमेशा कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन, CR, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे, आपको मालूम है ये Cl है, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है Cl माइनस होता है, जीरो से कहां गया माइनस में, क्या हुआ आपका रिडक्शन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन, और आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। हालांकि फिलहाल ये वाली सारी बातें आपको मालूम होगी, क्या हुआ अब ये वाली प्रोसेस देखना, यहां से हमने इसको मैकेनिज्म कर रहे हैं, हम इसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ये वाली प्रोसेस हमने यहां उठा ली, उठा लिया, जब यहां से हमने ये प्रोसेस उठाया, अब ये प्रोसेस कहां होती है, ये होती है हमारे पास में एनोड के ऊपर, ये होती है हमारे पास में, ये जो है ना दो आपके पास इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, तो एनोड के ऊपर ये वाली प्रोसेस होती है, यहां से क्या होता है के निकल जाता है, और आपको मालूम है जब के निकलेगा के प्लस में तो दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा भाई, एक के निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और एक के और निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के ऊपर देके चला जाता है, ये चला गया, इसलिए इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज, क्या आया आपका माइनस चार्ज, यहां भी क्या आया आपका माइनस, भाई माइनस चार्ज क्यों आया, माइनस चार्ज इसलिए आया, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक तो इसका स्वयं का है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहीं नहीं जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका स्वयं का है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, ये आ गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास में माइनस चार्ज, माइनस चार्ज आ गया आपका, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या हुआ, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास में, देखो यहां भी इसका ऑक्सीडेशन हुआ, अब इसमें भी ऑक्सीडेशन हुआ, जब इसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो यहां से आपने दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला, एक यहां से निकाला, आपने ये दो इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दिया। जब आप दो इलेक्ट्रॉन को निकालोगे क्या बचेगा आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को आप बोलते हो फ्री रेडिकल, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे, CH2 C डबल बॉन्ड हो ये फ्री रेडिकल, ये C डबल बॉन्ड हो ये फ्री रेडिकल। इतनी बात सही में आई कि नहीं आई भाई, ये था हमारे पास में, यहां से के निकला, दो के निकल गए, के प्लस के रूप में निकला, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन इसमें ले लिए, ये माइनस हो गया। दोबारा स्टेप में यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है, जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गया तो हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं फ्री रेडिकल। इतनी सी बात है, आपको ये वाली बात सही में आई कि नहीं आई, सही में आई ना। अब क्या होगा, अब ये होगा, सही में नहीं आया तो इसको ऐसे लिख लो, सी डबल बॉन्ड हो ये ओ फ्री रेडिकल, सी डबल बॉन्ड हो ये ओ ये फ्री रेडिकल।
अब क्या होगा, अब यह होगा कि यहां से यह वाला बॉन्ड टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां से ही बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे यहां से CO2 निकल जाएगा, एक CO2 ये और एक CO2 ये निकल गया। कितने CO2 निकले यहां से आगे वाली प्रोसेस में, कितने CO2 निकले, माइनस दो CO2 निकल गया, एक ये एक ये, क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास ये बचा क्या, CH2 एक फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। दोबारा देखो यदि समझ में नहीं आए तो, अब ये दो इलेक्ट्रॉन है इसका क्या यूज होगा भाई, ये दो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि हमारे पास में ये जो पूरा सेल का जो सर्किट है ये न्यूट्रल होता है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन का क्या यूज हुआ, अब दो इलेक्ट्रॉन का यूज ये हुआ, यहां हमने याद करो पानी भी लिया था, अभी तक ये पानी का रोल नहीं आया, अब ये पानी का रोल है, यहां से हमारे पास में बहुत ध्यान से देखना, यहां से हमारे पास में H2O ले लिया, ये ले लिया H2O, चलो H2O मत लो दूसरे तरीके से समझो, यहां से हमारे पास में क्या हुआ, ये देखो ध्यान से देखना, यहां से हमारे पास में क्या निकला हुआ है, यहां से कहां गया वो, ये हमारे पास क्या निकला है, यहां पास में है इलेक्ट्रॉन निकला हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है हमारे पास में, कितने इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, यहां से क्या निकला था, हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, क्योंकि भाई यहां कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन कितना यूज करना पड़ेगा, दो एच प्लस यूज करना पड़ेगा, क्या बनेगा आपके पास में, आपके पास बनेगा H2, क्या बनेगा आपके पास में H2। तो ये वाली प्रोसेस कहां हुई, ये वाली प्रोसेस हुई आपकी किसके ऊपर, किसके ऊपर, आपकी हुई कैथोड के ऊपर, तो कैथोड के ऊपर हमारे पास इस प्रकार से यहां से निकल जाता है H2 निकल जाता है। ये वाली बात समझ में आई, ये होता है आपके पास में कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो कुल मिलाकर बात एक ही याद रखना है आपको, लंबे चौड़े ये मेथड में नहीं पढ़ना है, मैकेनिज्म नहीं करना है आपको, कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया, फिलहाल तो यही है आपका कि ये हमारे पास में सोल्ट बनाओ एसिड से, एसिड से हमने सोल्ट बनाया, रिएक्शन करा पानी से, दो वाटर के मोलिक्यूल यूज होंगे और सीधा क्या बन जाएगा आपके पास में एल्किन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आज हमने चार मेथड देखी, मेथड एक ही था पार्शियल रिडक्शन, लेकिन पार्शियल रिडक्शन में कौन कौन पार्शियल रिडक्शन कराता है डिटेल में ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन हाँ इतना शॉर्टकट में भी आपको नहीं बताया, काफी अच्छे से आपको बता दिया, तो मजा तो आपको बहुत आया होगा। प्रैक्टिस करो, घर पे पढ़ो, बच्चों पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इस समय आपका लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, नीट के एग्जाम टल गए हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, महीने भर बाद उसकी डेट नहीं आएगी, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। आप सोचोगे हमारे पास समर वेकेशन है जिससे काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोशिश करो एक बार दो बार इसको करो, नहीं आया दो बार रिपीट करो, वीडियो को रिवर्स करके देखो, मिलते हैं फिर कल एक नई प्रिपरेशन के साथ में अल्किन की।